भारत माता की। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस नो प्रभाव छे ये भाइयों बता बार उभा छे। जे भाइयों ने बार उभा रहे पड़ी छे ने अगवड़ पड़ी छे बदल क्षमा मांगू छू। परंतु अवसर बहनों माटे छे। थैंक यू दोस्तों। मंच पर विराजमान राज्यना महिला अने बाल कल्याण विभाग ना मंत्री आदरणीय आनंदीबेन, युवक सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग ना मंत्री आदरणीय श्री फकीर भाई वाघेला, आ जिल्लाना प्रभारी मंत्री अने आदिवासीओना कल्याण ने वरेला मंत्री श्री मंगूभाई पटेल, सूरतना प्रतिनिधि मंत्री श्री नरोत्तम भाई पटेल, विधानसभा में उपदंडक आदिवासी समाज में जेने शिक्षण मेळवानुं सौभाग्य मळ्युं, इंजीनियर श्री नो अभ्यास कर्यो एवा उषाबेन, आर्थिक विकास निगमना चेयरपर्सन सीताबेन नायक, नवसारी जिला पंचायत प्रमुख शीलाबेन पटेल, सूरत जिला पंचायत प्रमुख भरतभाई राठौड़, सूरत मेयर अने धारासभ्य श्रीमान रणजीत भाई, लोकसभा में सभ्य बेन दर्शनाबेन, हमणा ताजेतर में राज्यसभा में चूंटाया लोग डबल ग्रेजुएट थाय छे पण डबल इंजीनियर थवा बहु ओछा लोग होय छे एवा श्री प्रवीण भाई नायक, धारासभ्य बहन भारती बहन, धारासभ्य श्री किशोर भाई वाकावाड़ा, धारासभ्य भाई श्री नानू भाई वानाणी, धारासभ्य ने गुजरात प्रदेश ना मंत्री श्री गणपत भाई वसेवा, धारासभ्य भाई श्री किरीट भाई पटेल, धारासभ्य भाई श्री आत्माराम भाई परमार, भूतपूर्व डेप्यूटी मेयर और भाजपा प्रदेश उप्रमुख बेन सुषमा बेन अग्रवाल, भाई श्री अजय भाई चौकसी, डॉक्टर अमिताबेन पटेल, भाई श्री सुरेश भाई पटेल, जाणीता वकील श्री पूर्णेश भाई मोदी, सहकारी आगेवान अने पूर्व सांसद श्री मानसिंह भाई, मंच पर विराजमान सौ आगेवानो, गुजरात में रमत गमत क्षेत्र उत्तम कारकिर्दी करनार सौ वीरांगना बहनों अने गुजरात नी आवती काल घड़वा माटे जेवो दिवस रात जहमत करी रहा छे एवी आंगणवाड़ी में काम करनार माता यशोदा रूप सर्वे बहनों, सर्वे मेहमानों, आवती काले आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस देश ने दुनिया में महिलाना अधिकारों, महिलानु गौरव एनी व्यापक चर्चाओ थवानी छे। दर वर्षे 8 मार्चे आ विवाद चाले छे परंतु घणीवार आ प्रकारे चर्चा करनारा लोको भारत नू नीचू जोणू थाय, भारत ना गौरव यात्रा ने डाग लागे
क्यारेक क्यारेक भारत नु मूल्यांकन करवामां खूब ऊंडा उतरता होय छे अने ऊंडा पण उतरता होय छे। आपणो तो बधुं नकामो, आपणे तो बहेनोनुं कोई स्थान नहीं, एने एक भ्रामक प्रचार आखी दुनिया में लोको करवा टेवायला होय छे। उमरगाम से अंबाजी सुधी आदिवासी विस्तार नो विचार करो तो त्यानी समग्र आर्थिक प्रवृत्ति खेती होय, पशुपालन होय, हस्तकला होय, सदियों थी 80% भाग एमा मात्र ने मात्र बहनों नो होय छे। छता एम कहेवाय के भारत में बहनों आर्थिक प्रवृत्ति में बहु जोड़ायेली नहीं होती। उत्तर गुजरात में एक बहन छे जे पशुपालन नो काम करे छे। बहु भणेला बहन नहीं, परंतु आजे आईआईएम जेवी संस्थाओ ए बहन पोताना पशुपालन क्षेत्र में केवी रीते सफल थया ए जाणवा माटे आईआईएम जेवी संस्थाओ एमने भाषण करवा माटे निमंत्रण आपे छे। आईआईएम ना विद्यार्थीओ एमनी साथे प्रश्नोत्तरी करे छे, कारण के रोजनो लाखों रुपयाना दूधनु उत्पादननु काम, पशुपालननु काम एक खूब सामान्य भणेली बहन करे छे। आपणे त्यां बधाने जाणीने आश्चर्य थशे, हिंदुस्तान कया विषयनी मथामण करे छे तो भारत नहीं, संसद में विधानसभा में 33% महिलाओं नो प्रतिनिधित्व थाय एनो निर्णय करवानी मथामण करे छे। अने आपणा माटे गौरवनी बाबत छे कि आपणा गुजरातनी धरती पर 1994 में भारतीय जनता पार्टी नी राष्ट्रीय परिषद नो अधिवेशन वडोदरा में मळ्युं हतुं। अने अधिवेशन में ठराव करो तो पार्टी है, हिंदुस्तान में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है सौथी पहला ठराव करो हो तो ये वक्त भाजपे ठराव करो तो अने ठराव में हमने मांगनी करी थी कि देश में लोकसभा विधानसभा में बहनों नो 33% प्रतिनिधित्व हो। सब नसीबे आवती काले पार्लियामेंट में आ विचार हरतो फरतो अथड़ातो कूटातो पीटातो मांड मांड करीने हवे संसद में आवे एवी अवस्था बनी छे। पण एमां आनंदनी वात ए छे कि आ ठराव पहला राज्यसभा में आववानो छे। राज्यसभा में सत्ताधारी पक्षनी बहुमती नथी, विपक्षनी बहुमती छे। ज्यां विरोध पक्षनी बहुमती छे, ज्यां भारत भाजपना संख्याबळनी अने एना साथीदारोनी बहुमती छे, एवी राज्यसभानी अंदर 33% अनामतनो ठराव आववानो छे। अने अमे निर्णय कर्यो छे कि आ प्रस्ताव पारित थाय पछी लोकसभामां पारित थवानो छे। अने गुजरातमां एना करता पण बे डगला आगळ आपणे स्थानिक स्वराज ने संस्था में 50% बहनों ने प्रतिनिधित्व मळे, जेटला भाईओ होय एटली बहनों होय एवो एक निर्णय आपणे गुजरात विधानसभा में पसार कर्यो छे, नो ठराव पसार कर्यो छे। भाईओ बहनों, जे लोको आपणने पछात कहे छे, जे लोको आपणी उपेक्षा करे छे, एमनी स्थिति केवी छे? अमेरिका में
मत आपवा वाली लोकशाही एने लगभग 225 करता वधारे वर्ष थई गया, 225 करता वधारे वर्ष थई गया। अहियां तो एमपी एमएलए बनवा माटेनी होड़ चाले छे, त्यां बहनों ने मत आपवानो अधिकार नहोतो। दुनिया में कहेवातो आवो विकसित अने शिक्षित देश अने जे वार तेवारे आपणने सलाह आपे छे अने आपणे त्यां गुलामीनु मानस धरावनारा लोको एमनी सलाहने माथे उचकीने कूदे छे पाछा, एवा लोकोने मारे केवुं छे अमेरिका में बहनों ने मतनो अधिकार मळे एना माटे लगभग 175 वर्ष राह जोवी पड़ी। 1960 में पहली बार अमेरिका में बहनों ने मत आपवानो अधिकार मळ्यो। आप कल्पना करो फॉरवर्ड लुकिंग सोसायटी कौन छे। एटलू ज नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मूलतः एक संस्कृति वाला देशो। एक एनाथी पण आगळ जईए तो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया सुधी आ देश की सांस्कृतिक परंपरा पहुंचेली हती। परिणाम केवो कि बांग्लादेश ना वड़ा महिला बनी सके, पाकिस्तान ना वड़ा महिला बनी सके, हिंदुस्तान ना वड़ा महिला बनी सके, परंतु अमेरिका में न बनी सके। आप कल्पना करो, एशियन देशों में फिर इंडोनेशिया में जाओ तो, श्रीलंका में जाओ तो महिलाओं राष्ट्रनु सुकान संभाळ्यु। एनु कारण आ भूभाग की संस्कृति एशियाना जीवन की अंदर जे सांस्कृतिक विरासत मिली एनु आ परिणाम हतुं कि दुनिया में आ देशों नारी शक्ति नो स्वीकार करनारा देशों रह्या। माताओं बहनों, दुनिया नो कोई पण देश, कोई पण जाति, कोई पण संप्रदाय अगर एनी श्रद्धा तरफ जोईए तो दुनिया ना बधा संप्रदाय मा माननार लोको मात्र पुरुष ने ज भगवान माने छे। एमने जे भगवान ने कल्पना करी छे एमा पुरुष रूप नो स्वीकार कर्यो छे। एकमात्र हिंदुस्तान एवू छे के जेने सांस्कृतिक रीते स्त्री भगवान नी पण कल्पना करी छे अने एना कारणे आपणे त्यां माता अंबानी कल्पना छे, माता बहुचर नी कल्पना छे, काली नी कल्पना छे, दुर्गा नी कल्पना छे, सरस्वती नी कल्पना छे, लक्ष्मी नी कल्पना छे। आपणा देशमां नारी रूप ने ईश्वर तरीके स्वीकारवानी महान परंपरा ने अपने भारतदार। एटलू ज नहीं, कोई पण सरकार लो, कोई पण सरकार, ये सरकार ना मुख्य खाताओ क्या? फाइनेंस, डिफेंस, एजुकेशन। ईश्वर ने जुओ तो काली, लक्ष्मी, सरस्वती आ डिपार्टमेंट, डिफेंस को, फाइनेंस को, एजुकेशन को ईश्वर ने रचना में आप बधा डिपार्टमेंट बहनों पासे छे। भाइयों बहनों, आ देश ने महान विरासत रही छे अने त्यारे कोई महिला दिवस मनावानी जरूर पण नहोती पड़ी अने छतां आ दिवस आ देश में आईनी संस्कृति में नारी गौरव नो स्वीकार थयेलो छे, अमारी रगो रगमां हशे। अने ज्यारथी एनो गौरवगान घट्यो, आ महात्म्यनो स्वीकार न थयो त्यारे विकृतिओ प्रवेश करी, दुनियानी विकृत संस्कृतिओ आक्रमण कर्या, दुनिया की विकृत मानसिकता हुए अपनी पर राज कराया। अने आपने त्या विकृत मानसिकता वाला हुए विकृत मानसिक गुलामी नो स्वीकार करो अने एनु परिणाम आयो कि आ देश की आ महान विरासत एने क्या क्या दाग लागी गया।
આપણે માટે સમગ્ર વિશ્વને મહાન નારી પરંપરા મહાન નારી ગૌરવ મહાન નારી સંસ્કૃતિ એનો હિંમતભેર સંદેશ આપવાનો દિવસ તરીકે 8મી માર્ચનો ઉપયોગ થવો જોઈએ। દુનિયાના લોકોને ઉપદેશ આપણી પાસેથી લેવો પડે, દુનિયાના ઉપદેશોમાં દબાવવાની આ દેશની નારી શક્તિએ જરૂર નથી, હિન્દુસ્તાનની વિરાસતે જરૂર નથી, આવા ગૌરવપૂર્ણ વારસાના લઈને જીવનાર આપણે લોકો છીએ, એને આગળ વધારવાની આપણી આ પ્રયાસ। ભાઈઓ બહેનો, આપણા દેશમાં પુરસ્કાર ઘણા અપાય છે, મોટા મોટા પુરસ્કાર અપાય, દેશ વિદેશ માં રહેતા લોકોને પુરસ્કાર અપાય, પદ્મ વિભૂષણ ને પદ્મશ્રી ને પદ્મ કેટલું બધું અપાય, બધા એવોર્ડ અપાય, અને ઘણીવાર કોઈને કોઈ કારણસર એવોર્ડ અપાઈ ગયો તો 2 મહિના સુધી ચર્ચા ચાલે। આ વખતે એવું થયું છે, વિવાદ ચાલે છે કે ફલાણા ભાઈને એવોર્ડ આપ્યો કેમ, પછી એના મૂળિયા શોધાઈ રહ્યા છે, આ કારણે અપાયો, દીકરાના કારણે અપાયો, ફલાણા કારણે અપાયો। ભાઈઓ, મોટા મોટા એવોર્ડ તો બધા આપતા હશે, પરંતુ હું વિશ્વાસથી કહું છું કે હિન્દુસ્તાનમાં સરકારી વહીવટી વ્યવસ્થાનું છેવથી છેલ્લું એકમ, માનવ જીવનની વ્યવસ્થાનું સૌથી પહેલું એકમ, એટલે નાનું ભૂલકું, એક વર્ષની, 2 વર્ષની, 3 વર્ષની ઉંમરનું બાળક માનવની વિકાસ યાત્રાનો પ્રથમ પગથિયું, અને એની રખેવાળી કરનાર સરકારી વ્યવસ્થાનું આખરી પગલું, આખરી એકમ, એટલે આંગણવાડી। આખા દેશમાં ક્યારે આંગણવાડીની બહેનો માટે કોઈ પુરસ્કાર તમે સાંભળ્યા છે? આંગણવાડી બહેનોનું ગૌરવ થયું સાંભળ્યું છે? મિત્રો, આખી આખી સંસ્થા એના પ્રત્યે ગૌરવનો કોઈ ભાવ જ નહોતો। અરે, ગામની અંદર તમે ગામમાં જઈને પૂછો કે અહીંયા ગામમાં માનો કે 100 લોકોને સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ હોય, 1000 વસ્તીનું ગામ હોય અને ગામના 100 આગેવાનોને સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ હોય, આ 100 લોકોમાં ક્યારે કોઈ આંગણવાડીની બહેનનું નામ હોય? નહીં હોય સાહેબ, લખી રાખજો। કારણ આંગણવાડીમાં કામ કરનાર બહેન કોઈ સરપંચની પત્ની તો હોય નહીં, બિચારી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેનારી, સામાન્ય જીવન જીવનારી, રોજી રોટી માટે કઈ મલખા માંગનારી, અને છતાંય સમાજ માટે કામ કરનારી કોઈ બહેન, ગામ પણ એના પ્રત્યે ગૌરવ ભાવ ન રાખતું, ઉપેક્ષિત હોય, મહેમાનો બેસાડ્યા હોય તો શેતરંજી ઉપર તેનો નંબર જ ન લાગે, શેતરંજી જ્યાં પૂરી થાય ત્યાં બિચારીનો નંબર લાગે। મારે આ સ્થિતિ બદલવી છે, મારે આખા સમાજ જીવનમાં એક વાતાવરણ બનાવવું છે કે આપણા નાના નાના ભૂલકા માટે જે આ બહેન પોતાની જાત ઘસી રહી છે, એ બહેન આપણા આખા પરિવારની આવતીકાલ સુધારવા માટે એની આજ બગાડી રહી છે, એની ખબર હોવી જોઈએ। તમારા કુટુંબની આવતીકાલ સુધરે એટલા માટે એ પોતાની આજ ખપાવી રહી છે, અને એ આજ જ્યારે ખપાવે છે ત્યારે એમાંથી તમારા બાળકની આવતીકાલ ઘડાવવાની છે, જે તમારા કુટુંબનું, તમારા ગામનું, આપણા રાજ્યનું આવતીકાલ નિર્માણ કરવાનું કામ આ મારી આંગણવાડીની યશોદા માતાઓ કરે છે। અહીંયા જે બહેનો આવતી હતી, જેમને સન્માન મળ્યું, એમને હું પૂછતો હતો કે બેન, કેટલા વર્ષથી આંગણવાડીમાં કામ કરો છો? કોઈએ કહ્યું 18 વર્ષથી, કોઈએ કહ્યું 20 વર્ષથી, કોઈએ કહ્યું 24 વર્ષથી, કોઈએ કહ્યું 26 વર્ષથી। મેં એમને પૂછ્યું કે આટલા વર્ષમાં આવો કોઈ અવસર મળ્યો તો? એકદમ એની આંખો નમ થઈ ગઈ, ના સાહેબ, અમને તો ક્યારેય કોઈ કલેક્ટરે પૂછ્યું નથી,
ऊपर भी कोई साहेब आवे तो खखड़ाई ने गया हो। तमे नोधी राखो बहन, हूँ तमारा माटे लड़नारो मानवी छू। तमे हवे चिंता, तमारी बधी चिंताओ वाड़ा खाते। अने एटलो ज नहीं, मैं ने पूछू कि बहन आजथी 26 वर्ष पहला जे बाळको तमारी आंगनवाड़ी में आवता था, तमे 18 वर्ष थी काम करो तो 18 वर्ष पहला आवता था, क्यारे ये बाळको तमने रस्ता में मळे तो तमने पगे लागे छे? तमारा प्रति